मैं ये गर्व से कहता हूँ कि अगर हमारे फौजी भाई शहर में ग्रेटर नोएडा में ना आए होते तो शहर अभी 10 साल पीछे होता, 20 साल पीछे। दिलों में बसा एक सपना था आज़ादी के मतवालों का, जश्न है आज ये भारत के आज़ाद 75 सालों का। नमस्कार, मैं निशी शर्मा, स्वागत है आपका जनप्रवाद में। आज नोएडा के सेक्टर 27 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि मुख्य अतिथि सांसद महेश शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि उन्होंने एक अपील भी दी है। उन्होंने कहा है सभी नोएडा वासियों को कि फौजियों को, ये देश फौजी भाइयों का है और सभी फौजियों को जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाए और जो अभी ड्यूटी पर हैं उनके लिए एक एक तिरंगा भेंट किया जाए। सर, जैसे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को आज 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो उसमें नोएडा के लिए कुछ नए संकल्प क्या होंगे जिसमें आप चाहेंगे कि नोएडा के सभी वासी उन संकल्प में से सबसे पहला एक? देखिए, पहला संकल्प मैं लेना चाहूँगा कि ये शहर हमारे फौजी भाइयों का बसाया हुआ शहर है और उनके प्रति सम्मान, मैं समझता हूँ देश के उन वीरों के प्रति सम्मान होगा। हर व्यक्ति अपने पास से हर एक फौजी को जाकर एक झंडा भेंट करे फौजी भाई को और एक फूल भेंट करे और उन्हें शुभकामनाएं दे, बधाई दे कि आपकी वजह से आज हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, स्वच्छ हवा में, स्वतंत्र हवा में हम रह रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दें, धन्यवाद दें कि 75 महोत्सव अमृत महोत्सव इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी सौम्यता के साथ, इतने जोश के साथ, इतने गर्व और गौरव के साथ मनाया जा रहा है। मेरे मुँह से निकला कि मुझे इस राजनीति की गंदगी में क्यों खींच रहे हो। सुषमा जी बोलने में तेज थी, हम क्या गंदगी में पड़े, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन इस राजनीति को अच्छा नहीं मानते, सम्मान मानते थे कि फौज में लगता, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दोस्त फौज में है और एक भी तीन तीन पीढ़ियाँ फौज में, उससे हमारा प्यार बढ़ता था। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर यहाँ के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी ने अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करे और उन्होंने बताया, उन्होंने साथ में अपील की है नोएडा वासियों से कि इस अमृत महोत्सव पर, इस स्वतंत्रता दिवस पर घर घर जाकर हर एक फौजी को एक तिरंगा भेंट किया जाए, क्योंकि ये तिरंगा हमारी आन है और ये तिरंगा हमारी शान है। उन्होंने कहा है कि इस तिरंगे को फौजी भाइयों को भेंट करें ताकि उनका जो उत्साह है, हमारे लिए जो शहीद, बहुत से फौजी भाई हमारे लिए शहीद हुए हैं और कई अभी तैनात हैं अपनी सेना के साथ बॉर्डर्स पर, तो उन सभी को ये तिरंगा भेंट किया जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए जनप्रवाह। मैं निशी शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट प्रफुल्ल वर्मा के साथ नोएडा।